हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? एथिक्स। अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे एथिक्स की डेफिनेशन से। एथिक्स की डेफिनेशन समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये मोरालिटी क्या चीज़ होती है। मोरालिटी, नैतिकता, नाम सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं ना कि बहुत इमोरल बिहेवियर है इसका, मोरालिटी नहीं है इसमें। सो मोरालिटी का मतलब क्या होता है? मोरालिटी इज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। आपका ओरिएंटेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता, मुझे लेकर हो सकता, कुछ बच्चे हो सकता बोल सकते हैं सर आप राइट हो, आप अच्छे हो, आप जस्ट हो, कुछ बोल सकते नहीं आप बुरे हो, है ना, आप रॉन्ग हो, आप अनजस्ट हो। इट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। और इंडिविजुअल ओरिएंटेशन हमेशा क्या करता रहता? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसका? डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब क्या है भाई? हो सकता है मैं बोलता हूँ मेरे लिए डेथ पेनल्टी कैसी है? रॉन्ग। मेरे लिए डेथ पेनल्टी कैसी है? बैड। मेरे लिए डेथ पेनल्टी कैसी है? अनजस्ट। तो मैं बोलूंगा कि डेथ पेनल्टी देना चाहिए। मैं हमेशा किसको सपोर्ट करूंगा? द डेथ पेनल्टी शुड बी एबॉलिश्ड, यही बोलूंगा मैं। लेकिन हो सकता है कोई लोग बोले कि नहीं सर डेथ पेनल्टी गलत तो है, बुरी तो है, अनजस्ट तो है, लेकिन सम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देना पड़ती है। फॉर एग्जांपल टेररिज्म हो जाए, है ना, तब डेथ पेनल्टी आप जस्टिफाई करोगे? हाँ। तब वो ठीक है? हाँ। तब वो जस्ट है? हाँ है। तो डेथ पेनल्टी क्या है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, कुछ लोग बोलते हैं वो सही है, वो उनका अधिकार है, कई लोग बोलते हैं वो जस्ट भी है, लीगल भी है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वो चीज़ क्या हो? गलत हो। तो ये क्या कर रही है? मॉरेलिटी वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट फॉर एग्जाम्पल फिर अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो एथिक्स क्या होता है? जब मैं सबकी मॉरेलिटी का सम कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एथिक्स। एथिक्स मतलब भाई मैंने डेथ पेनल्टी में मेरे व्यूज क्या थे? ये रॉन्ग, बैड, अनजस्ट। लेकिन जब मैंने सभी लोगों से पूछा कि भाई आप लोग क्या सोचते हो डेथ पेनल्टी के बारे में, तो मेजोरिटी ने क्या बोला? जो भी मेजोरिटी ने बोला, गुड। अगर मेजोरिटी ने जो बोला वो क्या बन जाएगा? मेरा एथिक्स। सो मॉरेलिटी इज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन एंड एथिक्स इज सोसाइटल ओरिएंटेशन। ये चीज ध्यान रहेगी। जैसे मैंने बताया डेथ पेनल्टी, वन पर्सन सेज इट शुड बी गिवन, अनदर पर्सन सेज इट शुड बी एबोलिश्ड। अब देखना एथिक्स हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी क्या है? गलत है। मेरे अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी क्या है? बैड है। मेरे अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी क्या है? अनजस्ट है। तो कभी अगर ऐसा कोई लॉ बनना आएगा कि क्या डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया जाए, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा क्या? यस, मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि यस डेथ पेनल्टी शुड बी एबोलिश्ड, क्योंकि उससे मेरा ह्यूमन बिहेवियर भी पता चल रहा है, राइट। जो चीज मुझे पसंद है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, राइट। आप लोग किसको सपोर्ट करोगे? नहीं, आप इस बिल के अगेंस्ट चले जाओगे कि नहीं भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज वालों को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करना पड़ेगी। लिव इन रिलेशनशिप, कोई बोलता है गुड, कोई बोलता है बैड। तो एथिक्स का मतलब समझ में आया? व्हाट इज एथिक्स? सोसाइटल ओरिएंटेशन, या फिर सम ऑफ मॉरेलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। अब देखना मॉरेलिटी या एथिक्स सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडियन सोसाइटी में, राइट। या हम लोग कहाँ रहते हैं? इंदौर में। इंदौर शायद एक ऐसा शहर है कि शायद अभी तक यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है क्या? नहीं। बट हो सकता है अगर आप दिल्ली जाओ या फॉरेन कंट्रीज जाओ तो वहाँ की सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो। तो देखो अगर मैं क्लास में पूछूं लिव इन इज गुड और बैड, तो मोस्ट ऑफ यू विल से इट इज़ बैड, राइट। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन जाके लंदन के बच्चों से करूंगा तो वो ज़्यादातर क्या बोलेंगे? इट इज़ गुड। भाई गुड भी है बैड भी है। एथिक्स क्या करता है, सॉरी लिव इन रिलेशनशिप क्या करता है? पार्टनर को एक रहने का मौका देता है शादी के पहले कि क्या उनकी जम रही है कि नहीं, क्या वो लॉन्ग लाइफ सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर एथिक्स क्या करती है? सोसाइटी टू सोसाइटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो एथिक्स का सभी को मीनिंग समझ में आया? सो एथिक्स इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ध्यान रहेगा, जस्टिफाइड बाय मेजोरिटी। अब मेजोरिटी हमेशा सही होती है क्या? नॉट ऑलवेज, अभी देखते हैं। बट एक लाइन लिखी हुई है मैंने, एथिक्स इज नॉट साइंस। एथिक्स इज नॉट साइंस। साइंस कैसा रहता है? यूनिवर्सल। साइंस कैसा होता है? यूनिवर्सल। लेकिन एथिक्स यूनिवर्सल होता है क्या? अभी मैंने बताया सोसाइटी टू सोसाइटी एथिक्स क्या करेगा? वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप क्या इंडियन सोसाइटी जस्टिफाई करती है? नहीं। सो हमारे अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप इज बैड, हमारे अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप इज रॉन्ग, इट इज अनजस्ट, राइट। लेकिन अगर आप फॉरेन में जाओगे तो लिव इन रिलेशनशिप को लोग क्या करेंगे? जस्टिफाई भी करेंगे, गुड भी है और एक्सेप्टेड भी है। एथिक्स इज यूजुअली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, यही बोल सकता हूँ। ये चीज आपको भी अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी, आपको भी अच्छी, सभी लोगों को अच्छी लग रही है, तो इट इज वेल स्टैंडर्ड नॉर्म्स, राइट, ये बोल सकता हूँ मैं। सो एथिक्स मतलब मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट। लेकिन अब कुछ दो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, अभी बिल आया ट्रिपल तलाक पे, ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? बैन कर दिया, यही किया। अब देखना ट्रिपल तलाक अनएथिकल है क्या? अनएथिकल है क्या? अगेन देखना सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रही है। मुस्लिम मेल्स के लिए क्या है ये? एथिकल था। वो क्या बोलेंगे? नहीं ये तो सही बात है, अच्छी चीज़ है, तीन बार तलाक बोला T3 लिख के भेजा और तलाक हो गया कंप्लीट, यही होता था। मैसेज में मोबाइल में सुविधा थी उनको एक अच्छी कि जब चाहे तब अलग हो गए। लेकिन महिलाएं क्या बोलेंगी?
स्काइप और फेसबुक से तलाक देना क्या कर दो, बंद कर दो। तो अगेन सोसाइटी है, दो सोसाइटी है, मेल की और फीमेल की। अच्छा हिंदू लोग क्या बोलेंगे उसमें, मेल फीमेल दोनों क्या बोलेंगे, इट इज अनएथिकल प्रैक्टिस, राइट। क्योंकि हम लोग तो एक रैशनल थिंकिंग सोच रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे कि मेल है या फीमेल है, हमें उससे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं। समटाइम हमारा बिहेवियर न्यूट्रल भी होता है, लेकिन इसमें हम न्यूट्रल है क्या, नहीं। मुस्लिम्स की बात है तो हम बोलेंगे कि नहीं हमारी सोसाइटी के लोग हैं, सो इट इज अनएथिकल। अच्छा ये इलीगल भी है क्या, लॉ बनने के बाद ये इलीगल हो गया, बट पहले इलीगल था क्या, नहीं। पहले ये लीगल था मगर अनएथिकल था, मतलब जरूरी है क्या कि जो चीज लीगल हो वो एथिकल हो, नहीं। ये चीज समझ में। अच्छा दूसरा एग्जांपल मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक आदमी को क्या करें, मार दें। वहां क्यों बैठे हो, यहां क्यों नहीं बैठ रहे हो, हाँ। अच्छा तो अभी आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब दूसरा एग्जांपल मैं किसका दे रहा हूं, आगे कर लो बेंच इसको, आगे कर लो। दूसरा एग्जांपल मैं किसका दे रहा हूं, मॉब लिंचिंग। देखना मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक आदमी को मार दें। अब मॉब लिंचिंग एथिकल है क्या, मॉब लिंचिंग एथिकल है क्या, देखो मॉब मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का एक ओरिएंटेशन होगा टुवर्ड्स अ पर्सन कि इसको मारना है, तो वो एथिकल हो गया, हाँ, क्योंकि उनके लिए वो गुड है, उनके लिए वो राइट है, उनके लिए वो जस्ट है, यही होता है। सो मॉब लिंचिंग मे बी एथिकल बट इट इज इलीगल, क्योंकि आप मॉब लिंचिंग में क्या कर रहे हो, किसी की किलिंग इन्वॉल्व्ड है, ये बोल सकता हूं मैं। सो जो चीज एथिकल है वो लीगल हो जरूरी नहीं है, जो चीज लीगल हो वो एथिकल हो वो भी जरूरी नहीं है। मॉब लिंचिंग इज इलीगल बट इट इज एथिकल फॉर सम पीपल, अनएथिकल भी हो सकती है, राइट। जैसे महाराष्ट्र में दो संतों की हत्या कर दी थी मुस्लिम मॉब ने, राइट। तो जो मुस्लिम मॉब थी उनके लिए वो क्या था, एथिकल था, लेकिन जो संत मरे एक्चुअली वो क्या था, गलत भी था इलीगल भी था, राइट। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था क्या, शिवसेना ने उस समय, नहीं लिया था, क्योंकि एथिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ओरिएंटेशन। सो एथिक्स ही लॉ भी बनाती है, भाई आपके लिए कोई चीज गलत है, आपके लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है। जब गवर्नमेंट देख रही है कि सब लोगों के लिए चीज गलत है, तो गवर्नमेंट लॉ भी वही बनाएगी कि ये चीज गलत है, राइट। सो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था, नहीं, जबकि वो चीज क्या था, वो एक्शन क्या था, संतों को मारना इलीगल था। तो ये चीज ध्यान रहेगी। एथिक्स की डेफिनेशन समझ में आ रही है, एथिक्स क्या होता है, सोसाइटल ओरिएंटेशन, सम ऑफ ऑल द मोरालिटीज, यही बोल सकता हूँ। मोरालिटी मतलब ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, इजी है, एकदम इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाई एथिक्स इज नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि ये क्या करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे मैंने बताया लिव इन रिलेशनशिप, और मैंने क्या बताया, नॉन वेजिटेरियनिज्म। देखना नॉन वेजिटेरियनिज्म इज गुड फॉर सम पीपल, इट इज बैड फॉर सम पीपल। जिनके लिए गुड है वो क्या बोलेंगे कि नहीं खाना चाहिए, भूख मिटती है उससे, हम बहुत सारे फूड ग्रेन्स को बचा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो यही जानवर हो जाएंगे, राइट। बट जिनके लिए बैड है वो क्या बोलेंगे, नहीं, वी शुड हैव कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, एक होता है सिंपैथी और एक होता है कंपैशन। सिंपैथी मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया यूपीएससी का एंड यू फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। अब आपके कोई भी रिश्तेदार ने बोला, अरे मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तो उनको आपसे क्या है, सिंपैथी। लेकिन आपकी दोस्त ने भी एग्जाम दिया और वो भी फेल हो गई, अब उसको क्या है आपके साथ, कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं आपको अपनी जगह पर रख के देख सकता हूँ, भाई आपने भी मेहनत करी, दोस्त ने भी मेहनत करी, उसको पता है कि कितनी मेहनत थी और वो फेल हो गई, राइट। लेकिन ये चीज़ रिश्तेदार को बताएगा, रिश्तेदार को बस बुरा लगा, वो यार ठीक है तैयारी वैयारी करी, नहीं पास हुआ कोई बात नहीं। लेकिन कंपैशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने आप को उसकी जगह पर रखते हैं। तो सिंपैथी से बड़ा क्या होता है, कंपैशन। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियनिज्म को अगेंस्ट रहते हैं वो क्या बोलते हैं, इट इज़ बैड। वाई बैड, क्योंकि वो कंपैशन की फीलिंग रखते हैं, वो जानवरों को अपनी जगह रख के देखते हैं कि अगर हम होते और हमें उस तरीके से मारा जाता, सिर काटा जाता, खून निकाला जाता, तो कैसा फील होता। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय द मेजॉरिटी। इंडियन सोसाइटी में तो एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म क्या हुआ करता था, बैड हुआ करता था। लेकिन लंबे समय तक मुगल कल्चर रहा यहाँ पर, हाँ, उन्होंने क्या किया, कल्चरल वैल्यूज हमारी डिस्ट्रॉय कर दी। आज ज्यादातर लोगों के लिए नॉन वेजिटेरियनिज्म बैड है क्या, नहीं। क्यों बैड नहीं है, क्योंकि उनमें कंपैशन की फीलिंग नहीं है। अगर उनमें कंपैशन होता तो करते क्या, ज्यादातर लोगों को आप देखना, आप कुत्ते की किलिंग करके दिखा दो तो वो बीच में कूद पड़ेंगे, नहीं कुत्ता नहीं मार सकते, कुत्ता नहीं मार सकते, लेकिन बकरी गाय भैंस सब मार सकते हैं, तो ऐसा क्यों कुत्ता नहीं मार सकते। मुर्गों के लड़ाते हैं तमिलनाडु में, है ना, मुर्गों की फाइट होती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप एनिमल्स पे क्या कर रहे हो, क्रुएलिटी। मतलब मुर्गे को लड़वाना क्या है, क्रुएलिटी, और उसको मार के खाना क्या है, समझ गए, डबल स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं। सो एथिक्स वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू पर्सन, ये चीज समझ में आ रही है। दूसरा मैंने लिव इन रिलेशनशिप आपको बता ही दिया है कि एथिक्स क्या है, इज नॉट यूनिवर्सल, इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ये दिखा दिया मैंने। वेस्टर्न कल्चर क्या है, क्रूएल है,
देखना एक चीज और आती है, ब्रिटिशर्स ने बहुत अत्याचार करा, क्यों करा, क्या रीजन था? एक तो उनमें कंपैशन की फीलिंग नहीं थी, दूसरा क्या था, वो रिलीजियस नहीं थे। जो भी रिलीजियस होता है ना वो यूजुअली क्रूएल नहीं होता। देखना रिलीजियस का मतलब क्या होता है भाई, रिलीजन हमको क्या सिखाता है, एवरी बींग हैज सोल, सब में आत्मा है। किसने बनाई है वो आत्मा? भगवान ने बनाई है। मीन्स वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, हम उसी भगवान की एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं। उन्होंने नेचर बनाया, हम भी नेचर का पार्ट है। सो हमको सबके प्रति क्या रखना पड़ेगा? कंपैशन, ये करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे वेस्टर्न कल्चर, वो क्या है, क्रूएल है। क्यों है? वो इंडियंस को कैसे मार देते थे, क्यों मार देते थे? जब हमें गुस्सा आती है अपन ये रिमोट उठा के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसमें जान है क्या? नहीं है। टूट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आएगी तो मैं किसी का मर्डर कर दूंगा क्या अचानक से? वो नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है नहीं, कंपैशन वाली फीलिंग है कि उसको पेन होगा बहुत ज़्यादा, मर जाएगा वो शायद। अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो शायद आप में ये सारी फीलिंग्स आएंगी क्या? नहीं। तो वो लोग आदमियों को भी चीज वस्तु की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया था, राइट? तो वो लोग कैसे हो गए थे? क्रूअल। ऑन दी अदर एंड इंडियन सोसाइटी क्या है? कंपैशनेट। क्या है उनके लिए ये सब? रॉन्ग है, बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना? एथिक्स या सोसाइटल ओरिएंटेशन फॉर्म कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई आपका एथिक्स है, एथिक्स मतलब हर चीज के प्रति आपका कोई ना कोई आउटलुक होता होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भी होता होगा, फैमिली के लिए भी होता होगा, पेरेंट्स के लिए भी होता होगा, फ्रेंड्स के लिए भी होता होगा। भाई आपके बहुत सारे फ्रेंड है, कोई फ्रेंड आपने बोला अच्छा है, तो ये आपका क्या है? ओरिएंटेशन है उस फ्रेंड की तरफ। तो आपका ओरिएंटेशन फॉर्म कैसे हुआ? कुछ बच्चे रोड पे गालियां बक रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत सभ्य हैं, तो ये ओरिएंटेशन फॉर्म कैसे हुआ? कुछ लोग एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये उनका ओरिएंटेशन बनता कैसे? तो ध्यान रखना एथिक्स कैसे बनता है। तो एथिक्स आपके जन्म के साथ ही क्या होता है? ओरिएंटेशन बनना शुरू हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस, राइट? दे रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, पैर वैर छूते हैं, एंड सम इंडिविजुअल्स आर लाइक दिस। बापूजी को मार रहा है वहां पे जेठालाल, और यहाँ पे जेठालाल क्या कर रहा है? बापूजी उसको डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है? चरण स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा बिहेवियर कैसे होता है कि सम इंडिविजुअल्स आर लाइक दिस एंड सम आर लाइक दिस, ये कैसे होता है? तो मैंने बताया एथिक्स क्या है या मॉरेलिटी क्या है, इट्स अ प्रोसेस। कहाँ से शुरू होती है? राइट फ्रॉम योर बर्थ। अब बर्थ होती है तो बहुत सारे क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपके ओरिएंटेशन को फॉर्म करने में। अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज डले हुए, अराउंड 15-30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4,500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब देखना मैंने कुछ और चीज़ें भी दिखी हैं। एथिक्स एंड मॉरालिटी गाइड योर ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल देखो, एथिक्स की मैंने डेफिनेशन बता दी, अब एक डेफिनेशन और दी हुई है, एथिक्स इज वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड। ये क्या है? वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी अगर सती प्रथा, सती प्रथा की मैंने बात करी, क्या सती प्रथा अनएथिकल है? सती प्रथा सबको पता है क्या होता है? सती प्रथा मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वाइफ को भी क्या करते हैं? उसके साथ ही जला देते हैं। भाई लड़की बोलती है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो पहले की सोसाइटी वैसी रह सकती, बोले नहीं रह सकती ना कोई बात नहीं चलो साथ में, हो गया काम। इट वॉज जस्टिफाइड बाय द अर्लियर सोसाइटी, वाई? इट वॉज एक्सेप्टेड ऑल्सो, पहले लोग यही करते थे ना, और सब में एक्सेप्टेड रहता था। ऐसा नहीं कि घर में पिताजी चले गए तो बच्चे को दुख नहीं होता कि मम्मी भी चली जाएंगी, वो मान लेता था कि पिता गए मतलब दोनों गए, समझ में आया? लेकिन अकेली मम्मी गई तो पापा कहीं नहीं जा रहे, दूसरी मम्मी आने वाली है। तो ये क्या था? और ये एथिकल था। एथिक्स क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सबकी मॉरेलिटी। और उस समय मॉरली क्या था? सती राइट था और सब लोग बोलते थे राइट है। अच्छा, लेकिन राजा राम मोहन रॉय उसके अगेंस्ट थे, राइट? लेकिन उनकी बात मानते थे क्या? क्योंकि एथिक्स इज मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट, जो मेजोरिटी बोलेगी वही होगा, यही बोल सकते हैं अपन। सो सती प्रथा अर्लियर सोसाइटी क्या बोलती थी? यस इट इज एक्सेप्टेड। आज लोग क्या बोलते हैं? नो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा ध्यान से देखना, सती को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सती प्रथा पहले की सोसाइटी तो बोलती थी इट इज एथिकल बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, बट इवन अर्लियर ऑल्सो इट वॉज इल्लीगल, बोल सकता हूँ मैं। अर्लियर सोसाइटी में भी ये क्या थी? इल्लीगल। भाई विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को एबोलिश कर दिया था कब? अराउंड 1835, याद है राजा राम मोहन रॉय के कहने पे। आज के समय क्या है सती प्रथा? इट इज अनएथिकल एज वेल एज इल्लीगल। अर्लियर सोसाइटी में इट वॉज इल्लीगल बट एथिकल, और 1835 के पहले तो वो लीगल भी था और एथिकल भी था। तो ये क्या हो रहा है? एथिक्स यूनिवर्सल बचा क्या? एथिक्स चेंज हो रहा है।
टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है और सोसाइटी के सोसाइटी टू सोसाइटी भी क्या कर रहा है, वेरी। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने डाउरी। डाउरी में क्या हो रहा है, लड़की पिताजी को लूट के ले जा रही है, नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही हैं। डाउरी सिस्टम, अगर मैं अर्लियर सोसाइटी की बात करूं, इट वॉज एथिकल। पहले की सोसाइटी में क्या था, एथिकल, सब लोग क्या बोलते थे, हाँ डाउरी इज ओके। आज की सोसाइटी में क्या है, स्टिल एथिकल। आज की सोसाइटी में भी आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी दहेज देते ना, इट मीन्स डाउरी इज स्टिल एथिकल। अब देखना डाउरी को क्या है, ज्यादातर लोगों ने क्या है, बहुत बदनाम कर दिया है। डाउरी अपने आप में गलत सिस्टम नहीं हुआ करता था भाई। देखो सन 2005 के पहले क्या वुमेन को इनहेरिटेंस राइट्स रहते थे, क्या आप अपने फादर की संपत्ति में हक ले सकती थी, नहीं ले सकती थी लड़कियां। तो उसके पहले एक दूसरा तरीका बना रखा था समाज ने कि भाई ठीक है, अगर आप फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते हो तो एक दूसरे तरीके से आप क्या करो, पैसा ले जाओ। यही करते थे, घर दिला दिया, बर्तन दिला दिए, कपड़े दिला दिए, सामान दिला दिया, गृहस्थी दिला दी, सोना दे दिया, कैश दे दिया। इट्स लाइक कि घर का पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, लड़की को उस फॉर्म में पैसा दे दिया, लेकिन बाद में से बहुत बदनाम किया गया। हाँ, लेकिन सन 2005 के बाद शायद फिर ये प्रथा क्या है, अब ऑब्सोलीट हो जाएगी, अप्रचलित हो गई। हो गई कि नहीं, क्यों, क्योंकि अब जब बोला लड़की प्रॉपर्टी में ही राइट्स ले रही है तो फिर अब उसको कैश वगैरह देने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। सो डाउरी अर्लियर सोसाइटी में क्या थी, एथिकल, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, स्टिल इट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। अर्लियर सोसाइटी में ये लीगल थी क्या, यस इट वॉज लीगल, नाउ इट इज इलीगल। ये चीज ध्यान रहेगा, इजी है। सती एंड डाउरी, हंस क्यों रहे हो इतना, एथिक्स मे नॉट बी लीगल, मैंने बता दिया। एथिक्स जरूरी है क्या हमेशा लीगल हो, नहीं। जैसे डाउरी, डाउरी लीगल है क्या, नहीं है, बट एथिकल है क्या, हाँ है। एथिकल मतलब ज्यादातर लोग डाउरी को सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोग बोल सकते हो हम नहीं करते हैं, मगर तुम लोग करते हो। लड़कियां भी करती हैं, जब जाओगी ना घर तब देखना भाई से कैसा लड़के छीन के लेके जाओगी सामान। और लड़के तो ऑलवेज वेलकम, कि कुछ आ रहा है तो फिर आने दो, समझ गए। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज भी आजकल ज्यादातर सोसाइटियों में तो ठीक है अब अनएथिकल हो गया, बट स्टिल सम सोसाइटी कंसिडर चाइल्ड मैरिज एज एथिकल, लेकिन वो क्या है, इलीगल। सो एथिक्स मे नॉट बी लीगल, मे नॉट बी लिखा, जरूरी है क्या हमेशा ऐसा, कभी कभी। कंक्लूजन, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरेलिटी, ईजी है। अब आपका, हाँ बोलो, ओके ये समझ में आ गया सबको। अब देखना आपका सोसाइटल ओरिएंटेशन कैसे बनता है। देखो सबका एक एक इंडिविजुअल ओरिएंटेशन रहता है, इसका एक इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, इसका इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, इसका इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, सबका एक एक ओरिएंटेशन बनता जाता है। और सबके ओरिएंटेशन को मिला देता हूँ तो क्या बन जाता है, एथिक्स बन जाता है। एथिक्स मतलब सोसाइटल ओरिएंटेशन। तो ये इंडिविजुअल ओरिएंटेशन या सोसाइटल ओरिएंटेशन फॉर्म कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एजेंट्स, जिनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और ये जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मतलब आप समाज से कैसे मिलते हो, सोसाइटी से कैसे मिलते हो। आप सोसाइटी से सबसे पहली बार कब मिलते हो, बर्थ पे। जैसे ही आपका जन्म हुआ आप एक सोसाइटी से मिलना शुरू कर दिए, डॉक्टर नर्स दिखाई देने लग गए, दैट इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप जब पैदा होते हो तब से लेके मरते तक आप सोसाइटी में ही रहते हो, हाँ। तो आपका जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाती है, राइट फ्रॉम योर बर्थ, और कब तक चलती है, टू योर डेथ, यही होता है। अब देखना बर्थ होती है तो सबसे पहले आप किसके कॉन्टेक्ट में आते हो, फैमिली। थोड़ा सा बड़े होते हो फिर किसके कॉन्टेक्ट में आते हो, फ्रेंड्स। फिर स्कूल जाते हो तो एजुकेशन, फिर मीडिया वगैरह। सोशल मीडिया का भी आजकल बहुत ज्यादा रोल है जो आपका ओरिएंटेशन फ्रेम करता है, राइट। स्पेशली कम्युनल आइडियोलॉजी देखते हो आप, हिंदू मुस्लिम वाला ज्यादातर वो कौन फ्रेम करता है, मीडिया। फिर कौन है, रिलीजन भी आपकी ओरिएंटेशन को फ्रेम करता है। फिर इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, फॉर एग्जांपल एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार, लोग उसको फॉलो करते हैं, हाँ, लोगों को अच्छा लगता है वो। अब वो क्या कर रहा है, गुटखा खा रहा है, तो लोग भी क्या सोचेंगे, यस इट इज गुड, इट इज राइट, इट इज जस्ट। खाना शुरू कर देंगे पूरे भारत को क्या कर देंगे, गंदा। वो स्वच्छ भारत का दूत भी है, स्वच्छ भारत मिशन में मोदी जी ने उसको दूत भी बनाया था, वो स्वच्छ भारत मिशन का दूत भी और साथ में गुटखा भी खिला रहा है लोगों को। सो ये क्या है उसका, डबल स्टैंडर्ड, फर्जी है मतलब वो देखा जाए तो। अक्षय कुमार, विराट कोहली यूथ का रोल मॉडल है, हाँ, लेकिन दारू की दुकानों पर क्या कर रहा है, दारू का ऐड कर रहा है। सो ये क्या कर रहा है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, लोग उसको फॉलो करते हैं। ये कंपनीज को मालूम है, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को, तो उनको पता है लोगों का ओरिएंटेशन हमारी शराब के प्रति कैसे जगाना है। अगर विराट कोहली पिएगा और गुस्सा करेगा तो लोग क्या बोलेंगे, हम भी दारू पिएंगे और गुस्सा करेंगे, दैट इज रॉन्ग। अजय देवगन एक तरफ अच्छी अच्छी पिक्चर करता, देशभक्ति की सिंगम विंगम बना देता है, और दूसरी तरफ मैकडोनल्ड, दारू की दुकान अगेन। तो ये क्या है, ये फ्रॉड लोग हैं। लेकिन क्या है, सोसाइटी में इतना दिमाग है क्या, वो ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो करती है जो खुद में क्या है, अपने आप में क्या है, गलत है। ये चीज ध्यान रखा, विराट कोहली, अक्षय कुमार,
पान की दुकान जिसको बोल सकते हैं, ये समझ में आया। सो दिस इज इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। लॉस, कई बार लॉस भी हमको बताते हैं व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर करना, क्या आपके मम्मी पापा ने कभी बताया कि बेटा मर्डर रॉन्ग है? वो किसने बताया आपको? लॉ ने बताया कि मर्डर किया तो सीधा फांसी पे जाओगे या फिर जेल हो जाएगी। तो कई बार लॉस भी क्या करते हैं, आपको ओरिएंटेशन फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, सबसे पहले आप किसके कॉन्टेक्ट में आते हो? फैमिली। फैमिली से आप क्या सीखते हो? पैट्रियार्की, यही सीखते हो। फॉर एग्जांपल फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, ज्यादातर के केस में यही है। फादर की इज्जत मम्मी से ज्यादा होती है, ऐसी क्यों, ऐसा क्यों होता है? बस ये चीज हमने फैमिली में सीख लिए रह के। ये किसी ने हमको पढ़ाया कि बेटा पापा का स्टेटस मम्मी से ऊपर है? किसी ने बताया कि ये चीज पापा ने कभी बोला? नहीं, लेकिन बस फैमिली में डर चलता, पापा आ गए बस बच्चा अंदर पढ़ने बैठ गया, पापा आ रहे हैं बस बच्चा डर गया, बोलूं पापा को तो बच्चा डर गया। ये क्या हो रहा है? बता बता के कि दैट यस ही इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, ही इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, राइट। और फिर पापा हैं तो फिर वो स्टेटस भी मेंटेन करते हैं, डांट डपड़ के रखते हैं सबको। सो पैट्रियार्की हमने किससे सीखी है? फैमिली। सो पैट्रियार्की भी तो अपने आप में एक एथिक्स है ना। एथिक्स मतलब क्या होता है? गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग पैट्रियार्की इज गुड, हमारे अकॉर्डिंग पैट्रियार्की इज राइट, हमारे अकॉर्डिंग पैट्रियार्की इज जस्ट ऑल्सो। वो लीगल भी है, ज्यादातर जगह मुखिया का नाम में किसका नाम लिखा रहता है? फादर का नाम लिखा रहता है। दूसरा है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये हम कहाँ से सीखते हैं? मोस्टली फैमिली से, कि अगर ये दादा दादी हैं, बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो क्या हम इनको मार सकते हैं? नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमने बचपन से क्या सीखा है? वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। देखना फैमिली भी दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर और ज्वाइंट। जो न्यूक्लियर फैमिली के ये वाले जो बच्चे रहते हैं ना, ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक बच्चे रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं नहीं, सिर्फ इनके मम्मी पापा इनको एक अलग लाइफ के साथ रखते हैं, राइट। तो ये इन्होंने दादा दादी के साथ कभी रहे हैं? नहीं। तो ये उनकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। टॉलरेंस की वैल्यू आएगी इनमें? नहीं। भाई बहनों के साथ और लोगों को कैसे एडजस्ट करते हैं ये फीलिंग आएगी? नहीं। तो ये बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहते हैं, बिल्कुल एकदम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर उतरे रहते हैं, असहयोग आंदोलन पूरे समय इनका जारी रहता है, राइट। लेकिन जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो क्या सीखते हैं? टॉलरेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट्स भी सीखते हैं, अपने आप को रोकना। कई बार क्या होता है, अपन फैमिली में रहते हैं, चाचा चाची ने कोई ऐसी बात बोल दी अपने को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अपन उनको मारने नहीं चले जाते हैं। वी हैव सेल्फ रिस्ट्रेंट, खुद पे क्या रहता है? संयम भी बना रहता है। और वो सारी वैल्यूज हम कहाँ से सीखते हैं? जॉइंट फैमिली से। शायद न्यूक्लियर फैमिली वाले कुछ चीज़ें कम सीखते होंगे, वो पैट्रियार्की सीखते होंगे हाँ, बट वो उतना नहीं सीखते होंगे, क्योंकि शहरों की लाइफ में पता है ना, मम्मी पापा आप दोनों अर्न कर रहे हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है? मम्मी भी इक्वल है, पापा भी इक्वल है। पैट्रियार्की कम सीखेगा। वुमेन एल्डर की रिस्पेक्ट करेगा क्या? वो कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एल्डर्स है ही नहीं ज़्यादा, मम्मी पापा ही हैं, मम्मी पापा भी यूँ हैं, एकदम यंगस्टर हैं, वो खुद बिगड़ेल हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो भी वही चीज़ें सीखेगा। टॉलरेंस तो वो सीखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मी पापा दिन भर जॉब पे हैं, वो दिन भर घर में अकेला है, तो उसमें टॉलरेंस की फीलिंग भी आएगी, कम आएगी। सेल्फ रिस्ट्रेंट्स भी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि जब समाज के बीच में ही नहीं रहा है तो सेल्फ रिस्ट्रेंट्स उसको पता है क्या? कई बार आपको गुस्सा भी आती है अपने दोस्तों पे, लेकिन आप उनको मारने नहीं लगते हो, आप क्या करते हो? सेल्फ रिस्ट्रेंट, कंट्रोल कर लेते हो हाँ। तो ये समझ में आया। दूसरा आपका है एथिक्स में ओरिएंटेशन कौन फ्रेम करता है? फ्रेंड्स। दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ अच्छे दोस्त हो सकता बोले चलो आईएएस की तैयारी करेंगे, देट आर गुड फ्रेंड। कुछ बोले पढ़ाई लिखाई छोड़ो, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं फ्रेंड्स। ये सारी वैल्यूज बच्चा कहाँ से लाता है? ड्रिंकिंग करना कहाँ से सीखता है? क्या फैमिली से सीखता है? बहुत ही कम फैमिली ऐसी होती है, बहुत ही कम फादर ऐसे होते हैं जो बच्चे को बिठा के पिलाते हैं। वो सब काम किसका रहता है? अपने दोस्तों का रहता है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है? हिस्ट्री, सॉरी एजुकेशन। आप सब पढ़ने जाते हो हाँ, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, लाइक फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपने कहाँ से सीखा? हिस्ट्री से। पॉलिटी से आपने क्या सीखा? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें सीख रहे हो ना। फंडामेंटल राइट्स, ये सब कहाँ से सीख रहे हो? पॉलिटी से सीख रहे हो। भाई डेमोक्रेसी क्या है? ये भी तो अपने आप में क्या है? एथिक्स है। देखना मेरे अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी कैसी है? अच्छी है। आपने बोला डेमोक्रेसी कैसी है? अच्छी है, गुड है। इन्होंने भी बोला डेमोक्रेसी अच्छी, ज़्यादातर मेजोरिटी क्या बोल रही है? डेमोक्रेसी इज गुड। पर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ नहीं, डेमोक्रेसी क्या है? बुरी। डेमोक्रेसी में क्या है? मैं बोलता हूँ डिसीजन नहीं ले पाते, हिटलर जैसा होना चाहिए जो वन शॉट डिसीजन ले। डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम और रहती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाती है क्या? कभी भी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी बुरी और आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी अच्छी है, सो हु विल विन? मेजॉरिटी, क्योंकि एथिक्स में किसकी चलती है? मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी बोलती है डेमोक्रेसी अच्छी है, तो डेमोक्रेसी एक्सेप्टेड है, राइट। सऊदी अरेबिया में हो सकता है मेजॉरिटी क्या बोलती हो? डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेड, तो डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, हिस्ट्री से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है? मीडिया।
मीडिया से हम कम्युनल चीज़ें भी सीखते हैं, हिंदू मुस्लिम भी सीखते हैं, राइट। पूरे समय हम डिबेट्स देखते रहते हैं, यही करते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स भी सीखना शुरू कर जाते हैं, यही होता है भाई। कास्ट पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है इंडिया में अगर पता हो तो, राइट। और फ्यूचर में क्या शेप लेगी नोबडी नोज, पर ये पता है कि बहुत खतरनाक रूप लेने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स में एक को अधिकार दिए जाते हैं दूसरे के छीन के, यही होता है। कोई भी चीज़ हो वो आप सबको पता है, उस पर अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15-30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4,500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्या है, लॉस। लॉस भी आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लॉस भी आपको बताते हैं व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, राइट। जैसे मैंने बताया मर्डर इज रॉन्ग, ये आपके मम्मी पापा ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, ये किसने बताया आपको, लॉ ने बताया। मर्डर कर दिया तो सीधे समझ गए। नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। पिक्चर देखिए, सब लोग पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर के पहले ऐड आता नंदू क्या करता है सिगरेट, उसकी बीवी भरती रहती है, तो वो अक्षय कुमार उससे पूछता क्या हुआ तेरी बीवी को, बोलता वही औरतों वाली बीमारी, तो ये बोलता तेरी जेब में और कितनी सिगरेट है, बोले एक और है, तो बोले 20 रुपए हैं, बोले जान लेने के लिए है पर बीवी की जान बचाने के लिए नहीं है। उसकी बीवी की जान बचा के वो जो पैसे आए उससे क्या कर रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, ये क्या कर रहा है गुटखा खा रहा है। तो बीवी को बचाने के लिए पैसे से ये क्या कर रहा है, गुटखा खा रहा है, समझ गए। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, और भी मैंने एग्जाम्पल बताया, विराट कोहली का बताया, अजय देवगन का बताया, कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी सच में भी इंस्पायर करती है, राइट। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय हुए, भारत रत्न अवार्डी भी है, पता है आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ पढ़ी होंगी, कौटिल्य हुए, वो भी एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ है। तो कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ सच में इंस्पायरिंग होती हैं और कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ फेक होती हैं इसके जैसी, समझ में आ गया। रिलीजन, रिलीजन से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो क्या आप, हाँ ऑनेस्टी सीखते हो आप रिलीजन से, इंटीग्रिटी सीखते हो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, एथिक्स के पेपर में, एथिक्स का पेपर का पूरा नाम क्या, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है बताओ। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप करते हो, वट एवर यू थिंक यू स्पीक एंड यू डू। कथनी और करनी में फ़र्क होना चाहिए क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला चोरी का, आप क्या है बड़ी ईमानदारी की बातें करते हो कि कितना भी पैसा आ जाए ईमानदार बने रहना ये वो, है ना। तो आप सोच रहे हो क्या ईमानदारी के बारे में कि मैं हमेशा कैसा रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा। आप बातें भी किसकी करते हो, ऑनेस्टी की करते हो, लेकिन एक बार मार्केट गए पैसों से भरा बटवा मिला, अब ऑनेस्टी क्या बोलती है, जिसका बटवा उसको लौटा दो। आपके दिमाग में आप सोच क्या रहे थे, ऑनेस्टी के बारे में, बातें किसकी करते थे, ऑनेस्टी के बारे में, लेकिन पर्स लेके घर निकल गए, तो ये आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी रहे क्या, नहीं, यू आर नॉट द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी तब होती है कि जब आप उस पर्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हो और बोलते भाई जिसका है उसको लौटा दो, दैट इज इंटीग्रिटी। जो सोचते हैं वो बोलते हैं वो करते भी हैं, ज्यादातर लोग सोचते और बोलते तो अच्छा है लेकिन करते हैं क्या, नहीं। करप्शन फ्री सोसाइटी सबको चाहिए, हाँ, लेकिन वो सोचते भी हैं करप्शन फ्री, बोलते भी हैं करप्शन फ्री, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो करप्शन करके निकल लेते हैं पैसे लेके, यही होता है। सो इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से बड़ी है देखा जाए। सो रिलीजन से हमको क्या सीखने मिलती है, इंटीग्रिटी, राइट। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। फिर क्या सीखने मिलता है हमको, नॉन वायलेंस, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, हम सबको भगवान ने बनाया तो हम उन सबकी क्या करें, रिस्पेक्ट करें, वी ऑल आर इक्वल, है ना। फिर नेक्स्ट क्या, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बस इतना ही है। अब एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन याद होगा कौन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, एजुकेशन है और मीडिया है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ है, रिलीजन है, लॉज है, याद हो गए। एथिक्स की डेफिनेशन सभी को याद हुई कि नहीं, एथिक्स पता नहीं होगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ। अब देखते हैं लीगैलिटी वर्सेस मॉरेलिटी, मॉरेलिटी या फिर एथिक्स भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मॉरेलिटी, एथिक्स मतलब क्या होता है, सम ऑफ मॉरेलिटी। देखना फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377, ये क्या था, एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी के लिए था सेक्शन 377। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन 377 को उन्होंने क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज, क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज क्या कर दिया, मतलब कि अब ये वाली एक्टिविटीज क्या है, लीगल है, मतलब आप अलाउ है, कर सकते हो, राइट।
अब उसके भी बहुत सारे वेरियस इंटरप्रिटेशन है, कभी दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है लीगल है, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है लीगल है, कभी वही लोग बोलते हैं इलीगल है, क्योंकि अलग अलग जजेस आते हैं और उनके अलग अलग ओपिनियन देते हैं। बट अभी तो क्या है, एटलीस्ट डिक्रिमिनलाइज है इस समय के लिए। लेकिन सेक्शन 377 के पहले जब जजमेंट आया था उसके पहले इट वॉज इलीगल, राइट। और कितनी सजा थी पता है आपको इन एक्ट पे? लाइफ इंप्रिजनमेंट, मर्डर की सजा थी, राइट। अगर कोई भी लेस्बियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या गे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो सजा क्या थी उनको? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो पहले जजमेंट के पहले ये क्या था? इलीगल। बट ये एथिकल था या अनएथिकल था? उस समय भी अनएथिकल था। देखो, हम लोगों को फर्क पड़ता था क्या उनसे, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से? बस हम लोगों का ये था भाई नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग उस सोसाइटी के थे उनके लिए तो क्या था ये पूरा का पूरा लॉ? अनएथिकल। वो क्या बोलते थे? नहीं, वी ऑल्सो हैव राइट टू चूज द पार्टनर। जरूरी है क्या कि फीमेल की तरफ ही मेल जाए या मेल की तरफ ही फीमेल आए? नहीं। तो उस समय ये क्या था? इलीगल। लेकिन एथिकल था उस समय, अनएथिकल था। इलीगल भी था और अनएथिकल भी था। अब क्या बोलती है? अब क्या है इस समय? राइट टू चूज द पार्टनर, मतलब ये क्या है? लीगल भी है और एथिकल भी है। फॉर एग्जाम्पल, लाइंग, झूठ बोलना। आप झूठ बोलते हो, यहां पर ये क्या कर रहा है? झूठ बोलता है राजपाल यादव को, बोलता है ना पैसे लूटने के लिए। तो झूठ बोलना क्या ये इलीगल है? इट इज नॉट इलीगल। झूठ आप खूब भरपल्ले से झूठ बोलते हो, घर में भी सबको झूठ बोल रहे हो आप, तो झूठ बोलना इज नॉट इलीगल, बट इट इज इमोरल, गलत है वो। ये आपको पता है कि झूठ बोलना क्या है? गलत है। और ये कोई सिखा रहा है कि आपको कि भाई झूठ बोलना गलत है? नहीं, आपको पता है क्योंकि आपने एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। फैमिली ने क्या बोला? बेटा झूठ नहीं बोलना। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? झूठ बोलो, ये बोलते हैं। लॉस बोलते हैं, लॉस कुछ भी नहीं बोलते हैं। लॉस बोलते हैं क्या झूठ बोलने पे कुछ भी चीज़? नहीं। रिलीजन क्या बोलता है? झूठ मत बोलो, है ना। इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, वो तो हमेशा क्या एकदम सत्यवादी हरीशचंद्र बन के उभरते हैं। तो वो सारी चीज़ें एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ने आपको बताया कि झूठ बोलना इज रॉन्ग, झूठ बोलना इज बैड। ये बोल सकते हैं इट इज अनजस्ट, लेकिन ये इलीगल है क्या? नहीं। तो टेलिंग लाइज नॉट इलीगल बट इट इज इमोरल। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ सेक्शन 377, इट इज लीगल नाउ। और ये मॉरल है क्या? यस, इट इज मॉरल भी है, ध्यान रहेगा। तो कई बार एथिक्स इलीगल हो जाता है, कई बार एथिक्स लीगल भी हो जाता है, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या देख रखा है? अभी अपन ने समझा मॉरेलिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, वो फ्रेम कैसे होते हैं। ईजी था अभी तक तो जर्नी, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? वैल्यूज। क्या है नेक्स्ट? वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखी हुई है बोलो? प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स समथिंग। देखना, मॉरेलिटी और एथिक्स एक सोसाइटल फिनोमेना रहते हैं, है ना। आप क्लास में आए तैयार होकर बैठते हो, राइट। तो ये क्या है? क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ में कलीग्स भी बैठने वाले हैं ना, तो आप यहाँ पर कैसे आए हो? तैयार होके। लेकिन जरूरी कि आप घर में पढ़ने बैठते होगे तो इसी प्रकार से रेडी होते होगे। मैं क्लास लेने आया हूँ तो ऐसा रेडी होके बनठन के आया हूँ? क्या मैं घर पे ऐसे ही रहता हूँगा? शायद लोअर टी शर्ट में बैठता हूँगा। सो वैल्यूज़ क्या है? प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस। देखना, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आप यहाँ पर आते हो, सबके सामने क्या बोलते हो? मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं। आप उनको गाली देते हो? नहीं। क्या आप अकेले में गाली देते हो पेरेंट्स को? नहीं। इसका मतलब आपका वैल्यू सिस्टम क्या बोल रहा है? यू हैव प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड, आप उससे बात कर रहे हो और घर जाके उसको मन ही मन में क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? वीक है। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो? बुरा बुरा बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी, यहाँ पर आएंगे सब क्या बोलेंगे? हमने आज तक कभी नहीं खुला, हमने नहीं देखा, यही बोलते हैं। वो घर में देखते हैं, क्यों? अगेन वैल्यू सिस्टम। ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं? वैल्यू सिस्टम वीक होता है तो आदमी ये सब हरकतें करता है। सो वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस। अगर आप भगवान की सच में रिस्पेक्ट करते हो तो आप अकेले में भी उनका अनादर करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज यू रियली रिस्पेक्ट गॉड, है ना। लेकिन अगर आप सोसाइटी में बैठे हो, देखा यार मम्मी पापा सब बैठे, तो आप तो बोलना पड़ेगा, है ना। मगर आप अंदर से चाहते हो क्या? सो वैल्यू सिस्टम जिसका स्ट्रांग रहता है ना, वो सबसे बढ़िया आदमी है। सो एथिक्स और मॉरेलिटी से बढ़कर क्या है? वैल्यू। समझ में आया? और वैल्यू का मतलब क्या है? प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स एनीथिंग। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, टीचर भी हो सकता है। भाई बच्चे का टीचर के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है। आप हो सकता है मेरे मुंह पे बोल रहे हो वाह सर क्या क्लास ली, और मेरे जाते ही एक बिल्कुल मन ही मन में गालियों की बौछार, क्या कि कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा के गया, ये समझ में आया। लेकिन वैल्यू का एम क्या होता है? देखो, जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, वैल्यू से ही मॉरेलिटी बनती है ना। अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगती तो शायद फिर आप वो एक्ट करना बंद कर दोगे, लॉज में भी उसकी हेल्प करोगे कि नहीं। तो वैल्यू से बनती है मॉरेलिटी, और मॉरेलिटी से क्या बनता है? एथिक्स। और एथिक्स मतलब मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट, उसी से क्या बनते हैं? लॉज, यही बोल सकता हूं मैं। एम क्या है वैल्यूज का? हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग गुड और बैड एक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगेन बताया पोर्नोग्राफी, अगर आपके लिए सच में बैड है तो आप अकेले में भी देखोगे क्या? नहीं।
और अगर नहीं है बैड तो आप समाज में तो बोलोगे इट इज़ वेरी बैड, वेरी हार्मफुल, लेकिन अकेले में जाके घर में फ़ोन में खोल लोगे, तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। कुछ एग्जाम्पल और भी दिए मैंने, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब आपके पेरेंट्स के लिए आपकी रिस्पेक्ट है, अगर वो सच में आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप यहाँ भी अच्छा बोलोगे, मन में भी अच्छा सोचोगे पेरेंट्स के लिए। ऐसा होता है क्योंकि मन में अपन गाली बकने लगते हैं मम्मी पापा को, शायद कभी नहीं, एक आध दो के लिए हो सकता है, बाकी लोगों के लिए तो नहीं। तो ये चीज़ समझ में आई, रिस्पेक्टिंग एल्डर, डिग्निटी, डिग्निटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अगेन इट वेरीज, मैंने बताया ना पर्स वाला एग्जाम्पल, बातें किसकी कर रहे थे आप, ईमानदारी की, है ना, सोचते भी ईमानदारी में था, पर्स लेके घर चले गए, तो ऑनेस्टी बहुत अच्छी वैल्यू में अगर है किसी की, सच में वो इतना दमदार है तो बहुत अच्छी बात है, बट यूजुअली बहुत कम लोग रहते हैं। और ये सारी क्या रहती हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़, और इंडिविजुअल वैल्यूज से ही आपकी मॉरेलिटी बनेगी, और मॉरेलिटी से क्या बनेगा, एथिक्स, और एथिक्स मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट है तो किस में हेल्प करेगा, लॉ मेकिंग में, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दिया वैल्यूज मेक्स मॉरेलिटी, मॉरेलिटी मेक्स एंड एथिक्स हेल्प्स इन लॉ मेकिंग, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक गलत था, वो ट्रिपल तलाक गलत था, पहले भी राजीव गांधी सरकार में भी ट्रिपल तलाक को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, नल एंड वॉइड कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बोला क्या, नहीं ट्रिपल तलाक इज ओके, क्यों, क्योंकि उस समय मुस्लिम की मेजोरिटी क्या बोलती थी, इट इज गुड, उनको चाहिए था, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं इट इज एथिकल, ट्रिपल तलाक इज ऑल्सो एथिकल। मोदी गवर्नमेंट आई, उनने क्या बोला, भाई हमको किसके वोट चाहिए, हिंदू के वोट चाहिए, तो हमको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोला क्या है, स्ट्रक डाउन करो किसको, ट्रिपल तलाक को, ध्यान रहेगा, ईजी है। अब वैल्यूज का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखना वैल्यूज भी हमारी पीयर प्रेशर से भी होती है, फॉर एग्जांपल लड़का क्या करने गया, पढ़ाई करने गया, अब ये लड़की क्या कर रही है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सो दैट इज बैड वैल्यूज, इमोरल बिहेवियर शो कर रही है, एंड इट इज ऑल्सो अनएथिकल, ध्यान रहेगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स से आपने क्या सीखा, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये भी वैल्यूज है, हाँ। अब ये वाला तो बीच में कहां से आ गया, रुको एक सेकेंड, हाँ वैल्यू का मतलब समझ में आया, ईजी था। अब ये क्या लिखा हुआ मैंने, वैल्यूज आर मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, ये ऑक्सफर्ड की डेफिनेशन है। वैल्यूज क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डेफिनेशन, मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, ध्यान रहेगा, पर्सन और अ ग्रुप, और बाकी मैंने उसका हिंदी में मीनिंग समझा दिया, सबको ईजी है, एकदम ईजी है, हाँ। वैल्यूज कौन इनकलकेट करता है आपके अंदर, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, रिलीजन, राइट, याद रहेगा भाई आपकी वैल्यूज कैसे बनती है, आपको अपने पेरेंट्स क्यों अच्छे लगते हैं, एक तो घर में ही पता चल जाता है पेरेंट्स अच्छे हैं बुरे, है ना, फिर दोस्त भी बताते कई बार, अरे क्या बोले दादा दादा करता रहता, छोड़ बुड्ढे को और चल मेरे साथ, तो ये भी क्या हो रहा है, फ्रेंड्स भी आपकी क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इनकलकेट करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। रिलीजन भी करता है ना, रिलीजन क्या बोलता है, नहीं आपने महाभारत देख ली, बोले नहीं यार अब तो क्या है, माता पिता की सेवा बिल्कुल, श्रवण कुमार बनूंगा, सो रिलीजन से भी आपने बहुत कुछ सीख लिया, है ना, सोसाइटी से भी सीखते हो। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, आपकी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग कैसी है, शायद एक रोड पे चलता जो गरीब या स्लम का बच्चा है, शायद वो आपके जैसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वैसा था। कोई बच्चा बचपन से ऐसे एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ जहाँ पर गाली पे गाली बके जा रहे हैं पूरे सबके सामने, उनके लिए एकदम ओपन गाली बकना क्या है, आम बात है, तो वो चीज़ उसकी वैल्यू वो शो करेगा, आप लोग वैसी वैल्यू शो कर पाओगे क्या, नहीं। वैल्यू का मतलब होता है जिसको आप समाज में भी इंटैक्ट रखते हो और पर्सनली भी इंटैक्ट रखते हो, समझ में आया, ईजी है। रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स को ध्यान रखना हमेशा, पेरेंट्स की वैल्यू आप समाज में भी करते हो और अकेले में भी करते हो, जब कोई नहीं है आपके साथ तब भी आप वैसा बिहेवियर, गलत बिहेवियर शो करते हो क्या टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, नहीं, तब भी आप उनकी क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ईजी है ये। अब देखना वैल्यूज कितने टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकती है इंडिविजुअल वैल्यू, दूसरी कौन सी है, सोशल वैल्यू, एनवायरमेंटल वैल्यू, और चौथी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, सबको समझे वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं अपन क्या इंडिविजुअल वैल्यू, भाई आपकी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस दैट वी अटैच विद समथिंग। आपकी एक वैल्यू हो सकती है सेल्फ डेवलपमेंट, कि नहीं यार मुझे अब आईएएस बनना है, ये आपकी वैल्यू है, जरूरी कि आपके दोस्त को भी आईएएस बनना हो, नहीं। सो आपका इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ाई करना, यही होगा आपका इंपॉर्टेंस, बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सेल्फ डेवलपमेंट, कई लोगों की होती क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड रहता है उनका, तो ये उनकी वैल्यूज है क्योंकि, और वो इसको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। सोसाइटल वैल्यू क्या रहती है, टॉलरेंस सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, सीखते हैं हम सबके साथ रहते हैं तो सबके साथ हमारा बिहेवियर हम चेंज भी करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कई लोगों के लिए डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, चिपको मूवमेंट आप सबने देखा था, उन लोगों के दिमाग में क्या रहता है, कंपैशन फॉर द लिविंग बींग्स, वो क्या मानते हैं, भाई ट्रीज ऑल्सो हैव लाइफ, तो हमको क्या है उनकी जगह रख के देखना चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चिपको मूवमेंट में एक वैल्यू शो कर रहा है, और वो कौन सी वैल्यू शो कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की या फिर कंपैशन की, राइट, कंपैशन टुवर्ड्स ट्रीज,
बोल सकता हूँ मैं, तो ये एनवायरमेंटल वैल्यू है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी एक संस्था है, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इंपॉर्टेंस होगा, प्रेफरेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल विष्णुगुप्त एकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मेकिंग बोल सकता हूँ मैं। इंस्टीट्यूशन की भी एक वैल्यू है, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भाई आपकी वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है, प्रॉफिट। मीडिया की भी वैल्यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ट्रूथ, बट वो होती है क्या यूजुअली, नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ वैल्यूज होती है, लाइक फंडामेंटल राइट्स हैं, साइंटिफिक टेम्पर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, DPSP हैं, फिर क्या है रिस्पेक्टिंग वुमेन्स वगैरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात करते हैं, राइट। तो ये किसकी वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की। वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ बताओ जल्दी से, कॉन्स्टिट्यूशन किसको प्रेफरेंस देता है या फिर किसको इंपॉर्टेंस देता है, ध्यान रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको इंपॉर्टेंस देता है, ऑर्गेनाइजेशन इनको इंपॉर्टेंस देता है। रिलीजियस वैल्यू क्या होती है, डिवोशन भक्ति, ब्रदरहुड भाईचारा और कंपैशन फॉर लिविंग बींग्स, बोल सकता हूँ मैं, ईजी है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब वैल्यूज़ को कैसे इनकलकेट किया जा सकता है। वैल्यूज़ मतलब आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, अगेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आ जाएंगे। फैमिली, फैमिली से आपने क्या सीखा, कंपैशन, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, कोऑपरेशन, जॉइंट फैमिली में सीखते हो, राइट। न्यूक्लियर फैमिली में सीखते हैं नहीं, इसलिए मैंने लिखा पर्टिकुलरली जॉइंट फैमिली। दूसरा क्या दिया हुआ है मैंने, सोसाइटी, सोसाइटी में आप क्या सीखते हो, टॉलरेंस। आप आए अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, आप उनको टॉलरेट भी कर रहे हो, अच्छा लगे या बुरा लगे बट आप उनको क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल लिव्स टुगेदर, रहते हैं सोसाइटी में। अच्छा, सोसाइटी का मतलब सिर्फ क्लास होता है क्या आपकी, नहीं, आप इस क्लास के भी मेम्बर हो, आप हॉस्टल जाते होगे वहाँ के भी मेम्बर हो, आप इंदौर शहर में रह रहे हो वहाँ के भी मेम्बर हो, आप मध्य प्रदेश के भी मेम्बर हो, आप इंडिया के भी मेम्बर हो, एंड यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज़ काम आती है, राइट। जैसे आप यहाँ हो क्लास में, फॉर एग्जाम्पल सारे एक ही रिलीजन के बैठे हैं, तो अभी आपको रिलीजियस वैल्यू ज़्यादा याद आएगी कि नहीं, अभी आप ओके बोले, बुराई कर सकते हैं दूसरे की। लेकिन अगर आप हॉस्टल गए और पता चला रूममेट वही है, तो अब आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। फिर कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, तब आपकी वैल्यूज़ और चेंज हो जाएगी। इंडिया की बात आई, इवन वैल्यूज़ आपको इम्पैक्ट करती हैं क्या डे टू डे लाइफ में, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आप वोट देने जाओगे, नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों दिया ज़्यादातर लोगों ने, बोले राम मंदिर बनाएंगे, यही था एक मुद्दा। ये क्या थी, वैल्यू थी, लोगों की वैल्यू थी, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, बिल्डिंग अप ऑफ राम टेम्पल, यही था ज़्यादातर हिंदूज के लिए, मेरे लिए भी वही था। मैंने क्यों वोट दिया, ठीक है डेवलपमेंट होता रहेगा, राम मंदिर बन गया इट्स ओके, मेरा पैसा वसूल है, मेरा वोट वसूल हो गया। तो लोगों ने क्यों वोट दिया, बोले राम मंदिर, क्योंकि मेरे लिए क्या जरूरी था, राम मंदिर। तो मेरी वैल्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट थी कि भाई मुझे वो टेम्पल चाहिए था, वो मिल गया मुझे, हाँ ये मची। एजुकेशन से भी आपको कुछ वैल्यूज़ मिलती, लाइक लीडरशिप, यूनिटी, यूनिटी मतलब सब साथ रहना कैसे सीखोगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी क्लास में ही इमर्ज करती हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनमें से आपने देखना, आपकी क्लास में भी होता होगा, एक हमेशा लीडर बना घूमता था, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आई कैसे उसकी, एजुकेशन के थ्रू। हिस्ट्री पॉलिटी से भी हम वैल्यूज़ सीखते हैं क्या, बहुत सारी वैल्यूज़ सीखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की सीखते हैं, नेशनलिज्म की वैल्यूज़ सीखते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, हाँ। फिर एक तरीका और होता है वैल्यूज सिखाने का, दैट इज़ ऑस्ट्रसाइजेशन एंड एप्रिसिएशन। ऑस्ट्रिसाइजेशन का मतलब होता है पनिशमेंट, आपने कोई गलत काम किया, आपकी वैल्यूज़ बुरी थी, मैंने आपको क्या कर दिया, पनिश, तो आपको पता चल गया ना कि दीज वैल्यूज़ आर रॉन्ग। आपने गाली दी, आपके लिए गाली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस था आपका, आप बात बात में गालियाँ बकते थे, बट आपने गाली दी और मैंने आपको क्या कर दिया, पनिश कर दिया, तो अब आप दोबारा दोगे क्या, नहीं, तो मैंने आपकी वैल्यू को क्या कर दिया, साथ साथ चेंज कर दिया। आपने कोई अच्छा काम किया, क्लास में रैंक 1 लाया, तो मैंने आपको क्या दे दिया, अवार्ड। सो अवार्ड एंड पनिशमेंट ऑल्सो क्या करते हैं, चेंज योर वैल्यूज, तो ध्यान रहेगा। अब देखना, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन आर सोशलाइजेशन, और ऑस्ट्रेसाइजेशन एंड एप्रिसिएशन आर सोशल कंट्रोल, ये कंट्रोल करते हैं ना आपको, ध्यान रहेगा, ईजी है। फैमिली से क्या सीखा आपने, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कोऑपरेशन। सोसाइटी से क्या सीखा आपने, टॉलरेंस। फिर क्या है, एजुकेशन से लीडरशिप और यूनिटी, ऑस्ट्रेसाइजेशन से पनिशमेंट और अवार्ड, ध्यान रहेगा। जुवेनाइल्स को हम पनिश क्यों नहीं करते, जुवेनाइल्स को, जुवेनाइल्स मतलब अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी उनका सोशलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सोशलाइजेशन क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है, एंड प्रोसेस टेक्स टाइम, टाइम लगता है, हाँ। तो हम बोलते हैं कि सोशलाइजेशन कंप्लीट मतलब उसको सही गलत की पहचान कब होगी, जब उसका सोशलाइजेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट कितने साल में हम मानते हैं, 18 साल में, 18 साल के पहले हम मानते हैं कि उसका सोशलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अगर उसने कोई चीज़ गलत कर दी तो उसको हम पनिश करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ध्यान रहेगा। Why juveniles are not punished? Why not punished? Because social control रहता है उनके ऊपर, वैसे फैमिली का रहता भी है,
बट दे हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर सोशलाइजेशन. बोल सकता हूँ मैं, ये अगर जुवेनाइल दोनों अपराध करते हैं तो इनको पनिश किया जाएगा क्या? अभी नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज दे हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर 18 ईयर्स ऑफ एज. बोल सकता हूँ. बट कई बार रूल्स को भी चेंज कर दिया गया आफ्टर निर्भया केस. सबको निर्भया केस पता है? हाँ. उसमें बोला कि अगर अब ऐसा केस किया तो 16 टू 18 वालों को जुवेनाइल नहीं मानेंगे, सिर्फ उस केस में. बाकी केसेस में ये जुवेनाइल है, ध्यान रहेगा. सो कैन नॉट बी पनिश्ड बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इसलिए जुवेनाइल्स को पनिश नहीं करते. ईजी है. अब देखना, वैल्यूज जो होती हैं, अगेन वो दो टाइप की होती हैं. वैल्यूज कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की. वन इज यूनिवर्सल वैल्यू, अनदर इज पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू. यूनिवर्सल वैल्यू क्या होती है? जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है. सॉरी, यूनिवर्सल मतलब जो कभी चेंज नहीं होती है. लाइक आप सब लोगों को क्या चाहिए यूनिवर्सल वैल्यूज? देखना, लाइक जस्टिस, सबको जस्टिस चाहिए. ये कभी चेंज होता है क्या? नहीं. यू ऑलवेज वॉन्ट जस्टिस. डिवोशन, फिर ये क्या लिखा, लव, पीस, ये सभी लोगों को चाहिए. सो दीज आर यूनिवर्सल वैल्यूज. ये चेंज होती है क्या? नहीं. दूसरी वैल्यूज होती है पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू. वो टाइम के साथ चेंज होती है, वो प्लेस के साथ चेंज होती है, वो सर्कमस्टेंसेस के साथ चेंज हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल टाइम, सती प्रथा, ये किसके साथ चेंज हो गई? टाइम के साथ. पहले इट वॉज ओके, नाउ इट इज नॉट ओके. सेक्शन 377, अगेन टाइम के साथ चेंज हो गया. डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया LGBTQ कम्युनिटी का. तो ये क्या हुई? एक ऐसी वैल्यू हुई. कौन सी वैल्यू हुई है? पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू. ध्यान रहेगा, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद प्लेस, चेंजेस विद सर्कमस्टांसेस. अब प्लेस के साथ क्या चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल वुमेन ऑफ नागालैंड और वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश. देखना, एक वैल्यू है टुवर्ड्स वुमेन. हमने देखा भाई वुमेन्स को क्या देना चाहिए, बोले इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, राइट. मध्य प्रदेश में वुमेन को कितना रिजर्वेशन दे दिया? 50% इन पंचायत. नागालैंड वालों ने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया. सो ये वैल्यू है, और वैल्यू क्या हो रही है? चेंज विद प्लेस. नागालैंड में नो रिजर्वेशन, एमपी में 50% रिजर्वेशन. कई बार सर्कमस्टांसेस, किलिंग क्या है? रॉन्ग. बट सेल्फ डिफेंस में रॉन्ग है क्या? नहीं. तो सर्कमस्टांस भी बताते, बोले किलिंग तो गलत है, फांसी हो जाती है, ये सब पता है आपको, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप फिर भी किसी को मार सकते हो ना. कोई आप ही को मारने आ गया तो आप क्या करोगे? इंटर्न उसको मार दोगे, राइट. तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग किलिंग इज रॉन्ग बट नॉट इन सेल्फ डिफेंस. तो हमने देखा वैल्यूज दो टाइप की होती है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू. पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू मतलब जो चेंज होती है विद टाइम, विद प्लेस एंड विद सर्कमस्टांसेस. ध्यान रहेगा, विद सर्कमस्टांसेस. और ये यूनिवर्सल वैल्यू क्या रहती है? लव, ट्रूथ, पीस, नॉन वायलेंस, ये सबको चाहिए. और ये चेंज होती है क्या? यू ऑलवेज वॉन्ट लव, यू ऑलवेज वॉन्ट ट्रूथफुल पीपल, यू ऑलवेज वॉन्ट टू लिव पीसफुल लाइफ, यू वॉन्ट टू बी नॉन वायलेंट ऑल्सो. कुछ लोगों को नहीं भी रहता होगा, बट एटलीस्ट ये सब लोग चाहते हैं, ये सब लोग नहीं चाहते, ये सब लोग चाहते हैं. ध्यान रहेगा. सो वैल्यूज क्या होती है? यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलरिस्टिक. इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? बोलो. हाँ, किसी को कोई डाउट है? अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो फ्री ऑफ कॉस्ट. वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15-30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा. मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा. अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो. एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो. प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4,500 रुपीज़ ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर. अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. ठीक है, एक मिनट पानी पी लूं. लिखना है क्या आप लोगों को? ये तो मैं शेयर कर दूंगा. चलो ठीक है, टाइम भी हो गया है, एक बार रिवाइज करें 5 मिनट में सारी चीजें क्या क्या पढ़ा है. देखो, सारे सब्जेक्ट क्या इक्वली इजी होते हैं? हाँ, नहीं होते. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कैसे सब्जेक्ट एकदम इजी? एथिक्स तुम लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, इसलिए एथिक्स क्या लग सकता है कुछ समय के लिए टफ. लेकिन एथिक्स से घबराना है क्या? नहीं. अगर एथिक्स इजी है, टफ है, एक बार नेट पे सर्च कर लेना इसके वीडियोस, ठीक है? समझ आ जाए तो मुझे भी बताना. ये सच्चाई बता रहा हूँ, एथिक्स समझ में नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको क्या कर देते हैं, एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. अपन क्या करेंगे, एथिक्स को कैसे समझने की कोशिश करेंगे? एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसको रियल लाइफ के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. जैसे ही एक टॉपिक अपना, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा खासा टॉपिक कवर हो जाएगा, उस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको अपन यहीं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली मैं पूरा आंसर नहीं लिख के बताऊंगा, लेकिन अपन क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे. केस स्टडीज केक वॉक बन जाएगा आप लोगों के लिए, इतना ईजी हो जाएगा. बस क्या है,
देखो एथिक्स में इंपॉर्टेंट होता है आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए सारे वर्ड्स की, क्योंकि वो डायरेक्ट वर्ड्स मेंशन करते हैं, और अगर वर्ड ही नहीं पता तो आप उसके बारे में लिख पाओगे क्या? फॉर एग्जांपल आज मैंने कौन कौन से वर्ड यूज करे, मॉरेलिटी, एथिक्स, कंपैशन, एम्पैथी, एम्पैथी भी यूज करा क्या मैंने, सिंपैथी, कंपैशन और एम्पैथी, हाँ ठीक है, और क्या, इंटीग्रिटी, तो ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी तो खैर सबको पता था, इंटीग्रिटी ने, हाँ मॉब लिंचिंग, हाँ एक वो वर्ड हो सकता, ऑस्ट्रिसाइजेशन, एप्रिसिएशन, तो ये क्या है वर्ड्स हैं, और वर्ड्स क्या होना चाहिए हमको याद होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार रिकैप करें, हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ मॉरेलिटी। सो व्हाट इज मॉरेलिटी, इट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, ये क्या था, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन टूवर्ड्स, बोलो टूवर्ड्स, हाँ गुड और बैड, हाँ राइट और रॉन्ग, फिर आगे बोलो जस्ट एंड अनजस्ट, ये लिख सकता हूँ मैं जस्ट एंड अनजस्ट। मॉरेलिटी किसके लिए रहती है अगर देखा जाए तो अपन बोल सकता हूँ मैं इंडिविजुअल के लिए, इजी है ये, इजी है। फिर मॉरेलिटी का अगर अपन सम कर देते हैं, सम ऑफ मॉरेलिटी इज एथिक्स, सम ऑफ मॉरेलिटी इज एथिक्स, एथिक्स इज अ सोसाइटल फिनोमेना, बोल सकता हूं मैं एथिक्स क्या है, रहता है सोसाइटल ओरिएंटेशन, बोल सकता हूं सोसाइटल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स गुड और बैड, अगेन राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट, बोल सकता हूं मैं, ये क्या हो गया एथिक्स। फिर क्या देखा था बोलो कि एथिक्स को अपन ने किसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, लीगैलिटी, लीगैलिटी वर्सेस अपन ने क्या देखा था एथिक्स, हाँ या फिर मॉरेलिटी बोल सकता हूँ मैं। फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स देखे थे अपन ने, किसके एग्जांपल्स देखे थे बोलो, सती का देखा था और डाउरी का देखा था, ये देखा था सती के अपन ने दो टाइम फ्रेम देखे थे, एक देखा था अपन ने अर्लियर पीरियड में सती क्या था बोलो, लीगल था प्लस एथिकल था, फिर वैसे बाद में ये इलीगल भी हो गया था, बोल सकता हूँ मैं बाद में क्या हो गया था, इलीगल भी हो गया था, बट एथिकल तो था अर्लियर सोसाइटी में, बट प्रेजेंट डे सोसाइटी में या आज की सोसाइटी में इट इज इलीगल भी है वो और अनएथिकल भी है वो, ध्यान रहेगा। सो ये अपन ने देखा, मतलब एथिक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज नॉट यूनिवर्सल, बोल सकता हूँ साइंस इज यूनिवर्सल बट एथिक्स इज नॉट यूनिवर्सल, ध्यान रहेगा। डाउरी का देखा मैंने, डाउरी को भी दो समाज में देखा अपन ने, अर्लियर सोसाइटी और प्रेजेंट डे सोसाइटी, बोल सकता हूं मैं अर्लियर सोसाइटी में क्या था डाउरी का स्टेटस, बोलो अर्लियर सोसाइटी में क्या था डाउरी का स्टेटस, इट वॉज लीगल एज वेल एज एथिकल। आज की सोसाइटी में क्या है, आज की सोसाइटी में क्या है, इट इज इलीगल प्लस एथिकल। आज भी एथिकल है ना डाउरी, तो आज भी एक्सेप्टेड है, लड़के लड़की दोनों को एक्सेप्टेड है, ये मत बोलोगे लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं, लड़के बोल रहे हैं पैसा दो, नहीं दोनों को एक्सेप्टेड है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। फिर अपन ने और क्या देखा था उसके बाद, लीगैलिटी को, फिर अपन ने सेक्शन 377 भी देखा था, मॉब लिंचिंग भी देखी थी, कुछ और एग्जांपल्स भी देखे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मॉब लिंचिंग, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मॉब लिंचिंग क्या बोलता है, मॉब लिंचिंग क्या है, इट इज़ एथिकल और अनएथिकल, एथिकल फॉर दोज हु आर परफॉर्मिंग द एक्ट, जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो क्या है वो एथिकल है, सही है, अच्छी बात है, जस्ट है, बट इट इज इलीगल। व्हाई इट इज इलीगल, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग, ध्यान रहेगा, इजी है। फिर अपन ने क्या देखा था, आगे बताओ जल्दी से, और क्या देखा था अपन ने, फिर अपन ने देखा था कि हाउ एथिक्स इज फॉर्म या हाउ सोसाइटल ओरिएंटेशन इज फॉर्म, आपका सोसाइटी के टूवर्ड्स ओरिएंटेशन कैसे फॉर्म होता है, यही देखा था अपन ने, हाउ क्या लिख दूं मैं, सोसाइटल ओरिएंटेशन इज फॉर्म्ड। सोसाइटल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाउ योर एथिक्स इज फॉर्म्ड, यही बोल सकता हूँ मैं। सो कैसे बनता है जल्दी से बताओ, कैसे बनता है, हाँ सबसे पहले अपन ने देखा था वो एजेंट्स कौन थे, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सबसे पहले आप पैदा हुए, बर्थ टू डेथ तक चलेगी ये पूरी प्रोसेस, फ्रॉम बी टू डी लिख सकता हूँ मैं, बर्थ टू डेथ तक चलेगी। सबसे पहले कौन था, फैमिली, सबसे पहले कौन था आपकी फैमिली,
फैमिली, फैमिली से क्या सीखा आपने? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, टॉलरेंस, पैट्रियार्की, है ना? तो बिल्कुल आपने क्या सीखा? टॉलरेंस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, फिर पैट्रियार्की, सेल्फ रिस्ट्रेंट आपने फैमिली में भी सीखा, बाकी जगह भी सीखा। फिर फैमिली के बाद दूसरे नंबर पर आप किससे इंटरेक्ट करते हो? फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स के बाद एजुकेशन। अच्छा, फ्रेंड से वैसे क्या सीखा आपने? फ्रेंड से क्या सीखा आपने? फ्रेंड्स में बिल्कुल टॉलरेंस सीखा, कोऑपरेशन सीखा। अगर आप अपना बिहेवियर हमेशा बुरा रखोगे तो दोस्त बनेंगे क्या? नहीं। सो टॉलरेंट भी होना पड़ेगा, भले ही मजबूरी में सही, और धीरे धीरे उसको आप अपनी लाइफ में क्या कर लोगे? इनकलकेट कर लोगे, और सच में भी आप क्या बन जाओगे? टॉलरेंट। फिर आया एजुकेशन। एजुकेशन से अपन ने देखा वैल्यूज़ वगैरह सीखी, फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री से सीखा, पॉलिटी से सीखा, डेमोक्रेसी वगैरह। फिर और क्या सीखा अपन ने? हाँ, कौन? रिलीजन। बिल्कुल, रिलीजन से क्या सीखा अपन ने? कंपैशन, है ना, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, ब्रदरहुड, यही सारी चीज़ें किससे सीखी? रिलीजन से। फिर कौन आया? मीडिया। मीडिया से क्या सीखा अपन ने? कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कम्युनल, कम्युनल आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? मीडिया से। कास्ट पॉलिटिक्स, ट्रूथ सीखा क्या तुमने मीडिया से? कौन सीखता है ट्रूथ मीडिया से? हाँ बताओ, इसने मीडिया से ट्रूथ बोलना सीख लिया, जो खुद कभी ट्रूथ नहीं बोलती। ठीक है, मीडिया के बाद क्या देखा अपन ने? इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। बिल्कुल, पर्सनालिटीज़। फिर अपन ने उधर अक्षय कुमार, विराट कोहली वगैरह को देखा। फिर और लॉज को देखा। लॉज भी हमारा सोसाइटल ओरिएंटेशन को क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर इज रॉन्ग, ये किसने बताया हमको? लॉ ने बताया। ये सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बताओ जल्दी से? ये करा हम लोगों ने, मॉरलिटी देख ली, एथिक्स देख लिया, लीगैलिटी वर्सेस मॉरलिटी देख ली। फिर हम लोगों ने और क्या किया बोलो जल्दी से? हाँ, अभी टाइप्स ऑफ एथिक्स तो अपन ने देखे नहीं, वो तो कल देखेंगे। हाँ, वैल्यूज देखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? वैल्यूज। क्या देखा था हम लोगों ने? वैल्यूज। सो व्हाट आर वैल्यूज? फिर हमने क्या देखना शुरू किया था बोलो? वैल्यूज। सो वैल्यूज क्या होती हैं? प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस टूवर्ड्स समथिंग, यही बोल सकता हूँ मैं। हाँ, वैल्यूज गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती हैं, लेकिन वैल्यूज का मैंने मतलब समझा दिया। वैल्यूज वो होती हैं जो आप अकेले में भी उनको रिस्पेक्ट करते हो और पब्लिक के सामने भी रिस्पेक्ट करते हो। सो वैल्यू मॉरलिटी से बढ़कर है, राइट? समाज में आपका बिहेवियर कुछ होता है और अकेले में आपका बिहेवियर कुछ होता है, वही है। वैल्यूज आपके जो अकेले में बिहेवियर रहता है उसको डिनोट करती है। वैल्यूज कैन बी गुड और बैड। गुड और बैड वैल्यूज तो होती है, लेकिन वैल्यूज दो टाइप की हो सकती है। एक होती है यूनिवर्सल वैल्यूज और एक होती है पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल वैल्यूज आर स्टैटिक, मतलब ये चेंज होती है क्या? नहीं, दे डू नॉट चेंज। लाइक लव, पीस, ट्रूथ और ऑनेस्टी, वो चेंज हो जाती है। नॉन वायलेंस, ये सब क्या रहती है? एवरीबडी वॉन्ट्स देम एंड दे डू नॉट चेंज विद टाइम। फिर कुछ होती है पर्टिकुलरिस्टिक, ये हमेशा क्या होती रहती हैं? चेंज, चेंज होती है अकॉर्डिंग विद टाइम, प्लेस और सरकमस्टेंसेस, ये बोल सकता हूँ मैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू चेंज होती है उसका क्या एग्जाम्पल देखा था अपन ने? टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू चेंज होती है जल्दी बताओ? सती प्रथा, डाउरी, ये चेंज हो रही है वैल्यू हमारी विद टाइम। प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है रिजर्वेशन, एमपी में 50%, नागालैंड में नो रिजर्वेशन। सरकमस्टांसेस, किलिंग इज रॉन्ग बट नॉट इन सेल्फ डिफेंस। सभी को समझ में आया? कोई डाउट किसी को? इसको शेयर कर देता हूँ, वो स्लाइड को ग्रुप पे डाल देता हूँ। वो स्लाइड ही तुम्हारे नोट्स हैं, समझ गए ना? नोट्स की जरूरत है क्या? वो स्लाइड ही क्या है? नोट्स है। और बाकी जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसको कहाँ आ जाएंगी? अपनी कॉपी में ऑलरेडी आ जाएंगी थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें कहाँ उतर जाएंगी? कॉपी में। अगर मैंने क्वेश्चन बनाया एथिक्स के ऊपर, तो ऑब्वियस है आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बारे में लिखोगे, तो नोट्स भी बनते चलेंगे। लेकिन अपन नोट्स किसके फॉर्म में बनाएंगे? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। अभी सब लोगों को कल होमवर्क करके लाना है, मैम ये स्लाइड तो भेज देंगी, तो सब लोग उतार के लाओगे एज इट इज़ कॉपी में, और अपने हिसाब से जो लिखना है उसमें वो लिखते भी रहना, ठीक है? ये कर लिया शेयर, इसको शेयर आप लोग भी कर लो तीनों, तो फ़ोन में PDF आ जाएगा इसका। अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, एक बार आप जाके ऐप डाउनलोड करो, कोर्स को विजिट करो,
फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए, अराउंड 15-30 आवर्स का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो, एमपीपीएससी की तैयारी करना है तो एमपीपीएससी का कोर्स परचेस कर सकते हो। प्राइस जो हमने सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल रखी, दैट इज 4,500 रुपीज़ ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी और वैलिडिटी भी दी जाएगी ऑफ 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।